क्लास सेवन मैथमेटिक्स चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर वन, व्हिच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी सो ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। फर्स्ट 2 × 1/5, सेकंड 2 × 1/2, थर्ड 3 × 2/3, फोर्थ 3 × 1/4। और नीचे आपको कुछ ड्राइंग्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना होगा कि हमें दिया क्या है और हमें करना क्या है। तो हमें प्रश्न में 4 भाग दिए गए हैं जो कि फ्रैक्शंस के रूप में हैं, और नीचे 4 ड्राइंग्स आपको दिए गए हैं जो कि उपरोक्त में से किसी न किसी फ्रैक्शन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपने पहचानना है कि पहले फ्रैक्शन को कौन सा चित्र दर्शा रहा है, दूसरे फ्रैक्शन को कौन सा रेखा चित्र दर्शा रहा है, इसी प्रकार तीसरे और चौथे फ्रैक्शन को कौन सा रेखा चित्र दर्शा रहा है। तो 2 × 1/5 का मतलब हुआ कि 1/5 दो बार है। इसी प्रकार 2 × 1/2 का मतलब हुआ 1/2 दो बार है। 3 × 2/3 का मतलब हुआ 2/3 थ्री टाइम है। 3 × 1/4 का मतलब हुआ 1/4 थ्री टाइम है। अब हम देखते हैं फिगर ए को। तो फिगर ए में आपको दिखाई दे रहे हैं 3 सर्किल हैं और प्रत्येक सर्किल में 3 भाग हैं। 3 में से 2 भाग छायांकित हैं। तो 2 छायांकित भाग 2/3 कहलाएंगे। तो 2/3 और इसी प्रकार दूसरा जो वृत्त है वह भी 2/3 छायांकित है। तीसरा वृत्त भी 2/3 भाग छायांकित है। तो पहले रेखा चित्र में 2/3 3 बार है, तो इसे हम बोलेंगे 3 × 2/3। तो ड्राइंग ए प्रदर्शित कर रहा है 3 × 2/3 को। इसी प्रकार ड्राइंग बी में 2 आयत दिए गए हैं और प्रत्येक आयत में 2 भाग बनाए गए हैं और उनमें से 1 भाग छायांकित है। तो यह प्रत्येक भाग 1/2 को प्रदर्शित करेगा। तो 1/2 और 1/2 2 छायांकित भाग हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1/2 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसे हम बोलेंगे 2 × 1/2। इसी प्रकार जो फिगर सी है उसमें 3 रेक्टेंगल हैं और प्रत्येक रेक्टेंगल का 1 भाग छायांकित है। कुल भाग 4 हैं, तो प्रत्येक भाग जो है 1/4 कहलाएगा। तो छायांकित भाग 1/4, 1/4, 1/4, तो 3 बार है। तो इस रेखा चित्र का मतलब हुआ यह 3 × 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है और डी में 2 सर्किल हैं, प्रत्येक सर्किल में 5 भाग हैं और 5 में से 1 भाग रेखांकित है। तो यह 1/5 को प्रदर्शित करेगा। तो 1/5, 1/5 2 बार इस रेखा चित्र में है। तो छायांकित भाग दोनों रेखा चित्रों का प्रदर्शित कर रहा है 1/5 2 बार मीन्स इंटू 2। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ किस भागों को कौन सा फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट भाग को डी, दूसरे भाग को बी और तीसरे भाग को ए तथा चौथे भाग को सी फिगर प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, फर्स्ट 2 × 1/5 रिप्रेजेंट्स ड्राइंग डी। 2 × 1/5 को रेखा चित्र डी प्रदर्शित करता है। सेकंड 2 × 1/2 रिप्रेजेंट्स ड्राइंग बी। 2 × 1/2 को रेखा चित्र बी प्रदर्शित करता है। थर्ड 3 × 2/3 रिप्रेजेंट्स ड्राइंग ए। 3 × 2/3 को रेखा चित्र ए प्रदर्शित करता है। 3 × 1/4 रिप्रेजेंट्स ड्राइंग सी। 3 × 1/4 को रेखा चित्र सी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल व्हिच ऑफ देम ओ। ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो 3 भाग आपको प्रश्न में दिए गए हैं और इसी प्रकार 3 आपको पिक्चर भी दिए गए हैं। तो आपने बताना है कि कौन सा भाग कौन से पिक्चर को प्रदर्शित कर रहा है या कौन सा पिक्चर किस भाग को प्रदर्शित कर रहा है। तो आइए हम पहले पिक्चर्स को देखते हैं। बराबर से पहले 2 सर्किल हैं और प्रत्येक सर्किल में 3 भाग हैं। 3 में से 1 भाग छायांकित है। तो प्रत्येक छायांकित भाग 1/3 को प्रदर्शित करेगा। 1/3, तो 2 1/3 है, यानी 1/3 कितनी बार है, 2 बार है। 2 × 1/3
3 बायां भाग प्रदर्शित कर रहा है, और दाएं ओर देखें तो सर्किल में कुल 3 भाग हैं और 3 में से 2 छायांकित भाग हैं, तो यह 2/3 फ्रैक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। तो ए फिगर प्रश्न के दूसरे भाग को प्रदर्शित कर रहा है। बी बराबर के बाएं ओर 3 त्रिभुज दिए गए हैं और तीनों ट्रायंगल्स में 3 भाग छायांकित हैं और कुल भाग 4 हैं, तो प्रत्येक त्रिभुज 3/4 को प्रदर्शित करेगा। तो यह भी 4 में से 3 भाग इसमें छायांकित हैं, तो छायांकित भाग 3/4 इसका भी 3/4 है। तो बाएं ओर 3/4 3 बार है, तो यह 3/4 को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम बराबर के दाएं ओर देखें तो जो पहला त्रिभुज है 4 भागों में से 4/4 छायांकित हैं, तो इसे हम बोलेंगे 4/4। इसी प्रकार जो दूसरा ट्रायंगल है यह भी 4/4 को प्रदर्शित कर रहा है, और तीसरे ट्रायंगल में 4 में से 1 भाग छायांकित है, तो यह 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है। तो 4/4 का मतलब हुआ 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 धन 1 धन 1/4 एक में 1 जोड़ेंगे 2 धन 1/4 यानी 2 सही 1/4। तो बराबर के दाएं ओर यह पिक्चर 2 सही 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है, और बराबर के बाएं ओर का जो भाग है वह 3/3/4 को प्रदर्शित कर रहा है, जो कि प्रश्न के तीसरे भाग को दर्शाता है। अब हम आते हैं थर्ड पिक्चर में बराबर के बाएं ओर 3 रेक्टेंगल हैं और प्रत्येक रेक्टेंगल में 5 भाग हैं, 5 में से 1 भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग 1/5 को प्रदर्शित करेगा। तो 1/5 और दूसरा भी 1/5 और तीसरा भी 1/5, तो 1/5 कितने टाइम है 1, 2, 3। तो बराबर के बाएं ओर वाला भाग 3/1/5 को प्रदर्शित कर रहा है। बराबर के दाएं ओर 5 में से 3 भाग छायांकित हैं, तो इसे हम कहेंगे 3/5। तो यह प्रश्न में दिए गए प्रथम भाग को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे वह इस प्रकार लिखेंगे, 3/1/5 = 3/5 रिप्रेजेंट फिगर सी। 3/1/5 = 3/5 को चित्र सी प्रदर्शित करता है। 2/1/3 = 2/3 को चित्र ए प्रदर्शित करता है। 3/3/4 = 2 सही 1/4 को चित्र बी प्रदर्शित करता है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न में आपको कुल 10 भाग दिए गए हैं, आपने इन्हें गुणा करना है। गुणा करने के बाद इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में व्यक्त करना है। फर्स्ट 7/3/5 7/3/5, तो इसमें एक पूर्ण संख्या है और दूसरा फ्रैक्शन है। तो पूर्ण संख्या से जब किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो आप देख लेंगे कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अर्थात हर से पूर्ण संख्या डिवाइड तो नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो उसे डिवाइड कर लेंगे, अन्यथा आप इस पूर्ण संख्या से इसके न्यूमरेटर अर्थात अंश को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 7 पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में हम 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/3/21/5, तो हर को हम अपरिवर्तित रखेंगे, तो यह बन जाएगा 21/5। अब इसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अर्थात मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए हम डिनोमिनेटर का भाग न्यूमरेटर में देंगे, तो 5 से 21 को डिवाइड करेंगे, तो 5 का भाग 21 में 4 टाइम जाएगा, 5 4 20 और 21 में से आप 20 लेस करोगे बचेगा 1। तो जितनी बार भाग जाता है उसको सही में लिखते हैं और जितना शेष बचता है उसको अंश में लिखते हैं, जिसका भाग देते हैं उसे हर में लिखते हैं, तो यह बन जाएगा 4 सही 1/5, तो आंसर आ जाएगा 4/1/5। सेकेंड पार्ट 4/1/3, तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 is 4/3, तो यह हो जाएगा 4/3। अब 3 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, तो 3 का भाग 4 में देंगे, 1 टाइम जाएगा, शेष 1 बचेगा, तो इसे हम लिखेंगे 1 सही 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1 सही 1/3। थर्ड 2/6/7, तो 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अपॉन नीचे से क्या है 7, तो ये बन जाएगा 12/7।
सेवन से ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे, सेवन यानी सेवन, ट्वेल्व में सेवन लेस करेंगे फाइव, तो यह बन जाएगा एक सही पांच बटा सात। तो आंसर आ जाएगा एक सही पांच बटा सात। फोर्थ, फाइव इंटू टू अपॉन नाइन, फाइव से टू को मल्टीप्लाई करेंगे टेन, और डिनोमिनेटर रहेगा नाइन, टेन अपॉन नाइन। अब नाइन से हम टेन को डिवाइड करेंगे वन टाइम, और तो शेष बचेगा वह वन बचेगा, तो इसे हम लिखेंगे एक सही एक बटा नौ। तो आंसर आ जाएगा वन वन अपॉन नाइन, जैसे आंसर। फिफ्थ, टू अपॉन थ्री इंटू फोर, तो टू और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे एट अपॉन थ्री। अब थ्री से हम एट को डिवाइड करेंगे, थ्री टू जार सिक्स, एट में सिक्स लेस करेंगे टू, तो यह बन जाएगा दो सही दो बटा तीन। तो यही आंसर हो जाएगा सिक्स। फाइव अपॉन टू इंटू सिक्स, अब इसमें देखिए टू से सिक्स डिवाइड हो रहा है कितने टाइम, थ्री टाइम, तो बच जाएगा फाइव इंटू थ्री, फाइव इंटू थ्री होता है फिफ्टीन, तो दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन, दिस इज आंसर। सेवेंथ, इलेवन इंटू फोर अपॉन सेवन, तो इलेवन इंटू फोर करेंगे फोर्टी फोर अपॉन सेवन, तो यह बन जाएगा फोर्टी फोर अपॉन सेवन, सेवन से हम फोर्टी फोर को डिवाइड करेंगे, सेवन सिक्स आर फोर्टी टू, बचेगा टू, तो यह बन जाएगा छह सही दो बटा सात। तो सिक्स टू अपॉन सेवन, यह आंसर हो जाएगा एट। ट्वेंटी इंटू फोर अपॉन फाइव, अब इसमें देखिए फाइव से ट्वेंटी डिवाइड हो रहा है फोर टाइम, तो फोर इंटू फोर दिस इज सिक्सटीन आंसर। थर्टीन इंटू वन अपॉन थ्री, थर्टीन से वन को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टीन वन इज थर्टीन अपॉन थ्री, थ्री से अब थर्टीन को डिवाइड करेंगे फोर टाइम, थ्री फोर जार ट्वेल्व, थर्टीन में ट्वेल्व लेस करेंगे वन, तो यह बन जाएगा चार सही एक बटा तीन, तो दिस इज आंसर। लास्ट है फिफ्टीन इंटू थ्री अपॉन फाइव, तो यहाँ फाइव से फिफ्टीन डिवाइड हो रहा है, फाइव थ्री जार फिफ्टीन, बच गया थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री जार नाइन, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, सेट छायांकित कीजिए वन अपॉन टू ऑफ द सर्किल इन बॉक्स ए, टू बाय थ्री ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी, थ्री बाय फाइव ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी। तो आपने क्या करना है, आपको नीचे बॉक्सेज दिए गए हैं, पहले बॉक्स में वृत्त बने हुए हैं, दूसरे में त्रिभुज बने हुए हैं, और तीसरे में आपको वर्ग दिए गए हैं। तो आपने फर्स्ट बॉक्स में जितने भी सर्किल हैं इसका वन अपॉन टू भाग छायांकित करना है, और दूसरे में जितने भी आपके ट्रायंगल्स हैं उसका टू थर्ड पार्ट ट्रायंगल्स आपने छायांकित करने हैं, और तीसरे में जितने भी आपके स्क्वायर्स हैं उसका थ्री फिफ्थ पार्ट आपने छायांकित करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, वन बाय टू ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स इज इक्वल टू, बॉक्स में दिए गए वृत्तों का एक बटा दो बराबर वन अपॉन टू, ऑफ का मतलब होता है इंटू ट्वेल्व, टोटल वृत्त कितने हैं बारह, तो बारह गुणा एक बटा दो, दो से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व को सिक्स टाइम, सिक्स वन इज सिक्स, तो टोटल जो सर्किल्स थे ट्वेल्व थे, ट्वेल्व का वन अपॉन टू पार्ट आ गया आपका सिक्स। तो आप क्या करेंगे, बारह वृत्तु में से छह वृत्तों को छायांकित करेंगे, तो इन बारह वृत्तु में से कोई भी छह वृत्त आप छायांकित कर लीजिए, तो प्रश्न का यह आंसर हो जाएगा। अब आपने जो बी पार्ट है, जो ट्रायंगल्स हैं, कुल कितने ट्रायंगल्स हैं, देखिए थ्री थ्री थ्री, नाइन, नाइन ट्रायंगल्स हैं। अब आप क्या करेंगे, नाइन का टू थर्ड निकालेंगे, तो टू थर्ड ऑफ नाइन, तो लिखेंगे टू थर्ड ऑफ द ट्रायंगल्स इन द बॉक्स इज इक्वल टू टू थर्ड, ऑफ का मतलब होता है गुणा, इंटू नाइन, टोटल ट्रायंगल्स नाइन है, थ्री से नाइन डिवाइड हो जाएगा थ्री टाइम, बच गया टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री का मान होगा सिक्स, तो नौ में से छह त्रिभुजों को आप क्या करेंगे छायांकित करेंगे, तो नाइन का टू थर्ड निकल गया सिक्स, तो सिक्स ट्रायंगल्स को हमने क्या कर लिया, सेट कर लिया है। थर्ड है थ्री अपॉन फाइव ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, तो बॉक्स सी में देखिए कुल कितने स्क्वायर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव थ्री जार फिफ्टीन, अब हम इसका थ्री फिफ्थ पार्ट निकालेंगे, थ्री अपॉन फाइव ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स, यह हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव इंटू टोटल स्क्वायर्स हैं फिफ्टीन, तो फाइव से फिफ्टीन कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, थ्री टाइम, फाइव थ्री जार फिफ्टीन, थ्री इंटू थ्री बच गया नाइन, तो हम पंद्रह में से नौ वर्गों को छायांकित करेंगे, तो फिफ्टीन स्क्वायर्स में से कोई भी नाइन आप क्या कर लीजिएगा, रेखांकित कर लीजिएगा, तो यह बन जाएगा थ्री फिफ्थ ऑफ फिफ्टीन। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइंड ज्ञात कीजिए वन अपॉन टू ऑफ ट्वेंटी फोर सेकेंड फोर्टी सिक्स, तो आपने क्या करना है, चौबीस का एक बटा दो भाग निकालना है, और दूसरा इसी में आपसे पूछा गया है छियालीस का एक बटा दो। इसी प्रकार बी सी डी पार्ट है, चलिए हम पार्ट ए को शुरू करें। तो ए का पहला है चौबीस का एक बटा दो, वन बाय टू ऑफ ट्वेंटी फोर, तो ऑफ की जगह पर आप गुणा लिखेंगे, तो यह बन जाएगा वन अपॉन टू
इंटू 24, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12 टाइम, बच गया 1 इंटू 12 का मान आ जाएगा 12, यह इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसी में है, ए का सेकंड 1/2 ऑफ 46 का 1/2 तो बन जाएगा 46 × 1/2 या 1/2 × 46 2 से 46 को डिवाइड करेंगे 23 टाइम, 1 × 23 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। बी पार्ट का फर्स्ट भाग है 2/3 ऑफ 18 18 का 2/3 भाग, तो यह हो जाएगा ऑफ की जगह आप गुणा का चिन्ह बनाएंगे तो 2/3 × 18 तो 3 से 18 को डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 3 6 18 बच गया 2 × 6, अब 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12, यह इसका आंसर हो जाएगा। बी का सेकंड पार्ट है 2/3 ऑफ 27 27 का 2/3 भाग, तो ऑफ यानी का की जगह पर आप गुणा लिखेंगे यह बन जाएगा 2/3 × 27 3 से 27 में भाग देंगे 3 9 27 बच गया 2 × 9 तो 2 9 18 यह इसका आंसर हो जाएगा। सी का फर्स्ट है 3/4 ऑफ 16 16 का 3/4 तो का यानी ऑफ की जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएगा तो यह बन जाएगा 3/4 × 16 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम बचेगा 3 × 4 यानी 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है सेकंड 3/4 ऑफ 36 36 का 3/4 तो बन जाएगा 3/4 × 36 4 से 36 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम 3 × 9 27 आंसर। डी 4/5 ऑफ 20 20 का 4/5 तो यह हो जाएगा 4/5 × 20 5 से 20 में भाग देंगे 4 बार बचेगा 4 × 4 यानी 16 यह इसका आंसर हो जाएगा। डी का दूसरा भाग है 4/5 ऑफ 35 35 का 4/5 तो यह बन जाएगा 4/5 × 35 तो 5 से 35 को डिवाइड कीजिएगा 7 टाइम बचेगा 4 × 7 यानी 28 दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस प्रश्न में आपको 6 भाग दिए गए हैं और आपने इन्हें गुणा करना है, गुणा करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में इसे लिखना है। ए 3 × 5 1/5 3 × 5 सही 1/5 तो इसमें हम सबसे पहले 5 सही 1/5 को विषम भिन्न में बदलेंगे, तो विषम भिन्न में बदलने के लिए डिनोमिनेटर 5 से आप इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 = 25 25 में उसके बाद 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 26/5 तो इसका मान हो जाएगा 3 × 26/5 अब 3 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78 तो यह बन जाएगा 78/5 अब हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करना है तो इसके लिए हम 5 से 78 को डिवाइड करेंगे तो 5 का भाग 78 में देंगे 5 एकम 5 7 में से 5 कम करेंगे बचेगा 2 यहाँ से उतर जाएगा 8 बनेगा 28 5 का भाग 28 में जाएगा 5 टाइम 5 5 = 25 28 में से 25 लेस करेंगे बचेगा 3 तो यह हो जाएगा 15 सही 3/5 तो आंसर आ जाएगा 15 3/5 बी 5 × 6 3/4 5 × 6 सही 3/4 तो 6 सही 3/4 को विषम भिन्न में बदलेंगे 4 6 24 24 में 3 जोड़ेंगे 27 यह हो जाएगा 27/4 तो इसे लिखेंगे 5 × 27/4 अब 4 से 5 पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे 5 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 135/4 अब इसे विषम भिन्न में चेंज करने के लिए 4 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 = 12 13 में 12 लेस करेंगे 1 यहाँ से उतरेगा 5 बनेगा 15 4 का भाग 15 में 3 बार जाएगा 4 3 = 12 15 में 12 कम करेंगे बचेगा 3 तो बच गया 33 यानी 33 सही 3/4 तो आंसर आ जाएगा 33 3/4 सी 7 × 2 सही 1/4 2 सही 1/4 को विषम भिन्न में बदलेंगे 4 × 8 में 1 जोड़ेंगे 9 9/4 तो यह हो जाएगा 7 × 9/4 अब 7 और 9 को गुणा करेंगे 7 9 = 63 तो यह बन जाएगा 63/4 अब 4 का भाग 63 में देंगे तो यह 15 टाइम जाएगा और शेष 3 बचेगा तो इसे हम लिख सकते हैं 15 सही 3/4 तो आंसर आ जाएगा 15 सही 3/4 डी 4 × 6 सही 1/3 तो 6 सही 1/3 को विषम भिन्न में बदलेंगे 3 6 = 18 18 में 1 ऐड करेंगे 19/3 तो इसका मान हो जाएगा 4 × 19/3
4 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 फोर जार 76, तो यह बन जाएगा 76 अपॉन 3। अब 3 से 76 को डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम डिवाइड होगा और जो शेष बचेगा वह 1 बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 सही 1/3, तो आंसर हो जाएगा 25 1/3। ई 3 सही 1/4 गुणा 6, तो सबसे पहले हम विषम बिंदु बदलेंगे, 4 3 जार 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 अपॉन 4, तो यह हो जाएगा 13/4 × 6। अब यहाँ पर देखिए 4 और 6 दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से 4 2 टाइम डिवाइड होगा और 6 3 टाइम डिवाइड होगा, 13 × 3/2, 13 × 3 = 39/2। अब 2 से हम 39 को डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम डिवाइड होगा, शेष बचेगा 1, तो इसे हम लिखेंगे 19 सही 1/2, तो आंसर आ जाएगा 19 1/2। एफ 3 सही 2/5 × 8, तो 5 या 15 में 2 जोड़ेंगे 17/5 × 8, तो बराबर हो जाएगा 17/5 × 8। अब 8 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 8 = 136, तो यह हो जाएगा 136/5। अब 5 से 136 को डिवाइड करेंगे तो यह 27 टाइम डिवाइड होगा, बचेगा 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 27 सही 1/5, तो आंसर आ जाएगा 27 1/5। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ज्ञात कीजिए। तो जो ए पार्ट है इसके दो भाग हैं, इसी प्रकार बी पार्ट के भी दो भाग हैं। तो सर्वप्रथम हम ए का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आपने ए के फर्स्ट पार्ट में ज्ञात करना है 1/2 of 2 3/4, 2 सही 3/4 का 1/2। तो सर्वप्रथम 2 सही 3/4 को हम विषम बिंदु में बदलेंगे तो यह बन जाएगा 4 2 जार 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 × 11/4। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 11 11 हो जाएगा, 2 × 4 8 बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 11/8। अब इसे हम मिश्र बिंदु में बदलने के लिए 8 का भाग 11 में देंगे जो कि एक बार जाएगा और शेष 3 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 1 सही 3/8। इसी प्रकार ए का ही दूसरा भाग है 1/2 of 4 2/9, 4 सही 2/9 का 1/2, तो इसमें भी 4 सही 2/9 को विषम बिंदु में बदल लेंगे, तो इस प्रश्न का मान हो जाएगा 1/2 × 4 सही 2/9 को हम 38/9 बोल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 से 38 19 टाइम डिवाइड होगा, बचेगा 1 × 19/9, 1 × 19 19 बन जाएगा अपॉन 9, 9 से हम 19 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, बचेगा 1, तो इसका मान हम मिश्रित बिंदु के रूप में लिख सकते हैं 2 सही 1/9 2 1/9। बी का फर्स्ट है 5/8 of 3 5/6, 3 सही 5/6 का 5/8, तो 3 सही 5/6 को हम लिख सकते हैं 6 3 18 में 5 जोड़ेंगे 23/6 23/6, तो क्वेश्चन का मान हो जाएगा 5/8 × 23/6। अब 5 से 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 115 आएगा, 8 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, तो यह हो जाएगा 115/48, 48 से हम 115 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड होगा, बचेगा 19, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 19/48। सेकंड 5/8 of 9 2/3 9 2/3 को हम विषम बिंदु में लिखेंगे, 9 3 27 में 2 जोड़ेंगे 29/3, तो यह हो जाएगा 5/8 × 29/3, 5 और 29 को गुणा करेंगे, 8 और 3 को गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 145/24। अब 24 का भाग हम 145 में देंगे तो 6 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा, तो इसे हम लिखेंगे 6 सही 1/24, यह इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल that contained 5 liter of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? Second, what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? Vidya और Pratap picnic पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 liter पानी वाली एक बोतल दी। Vidya ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी Pratap ने पिया। पहला आपको ज्ञात करना है Vidya ने कितना पानी पिया, दूसरा ज्ञात करना है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न यानी फ्रैक्शन प्रताप ने पिया। तो कुल पानी कितना था, 5 लीटर, विद्या ने पिया 2/5, तो हम विद्या ने पानी कितना पिया, 5 का 2/5 भाग निकालेंगे, तो लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, विद्या ने पानी पिया बराबर 5 का 2/5 या 2/5 ऑफ
5 लीटर्स। अब आप जानते हैं ऑफ यानी का मतलब होता है गुणा, तो इसे हम लिखेंगे 2/5 गुणा 5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2, तो यह आ जाएगा 2 लीटर। तो विद्या ने जो पानी का उपयोग किया वह 2 लीटर किया। अब हमें ज्ञात करना है कि प्रताप ने कितना पानी उपयोग किया, उसे भिन्न में हमें ज्ञात करना है। तो कुल पानी था 5 लीटर, विद्या ने उपयोग कर लिया 2 लीटर, तो बचेगा कितना, 5 में से 2 लीटर कम हो जाएगा तो 3 लीटर बचेगा। तो वह जो बचा हुआ पानी था उसे कंज्यूम किया प्रताप ने, तो लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, प्रताप द्वारा पानी उपयोग में लाया गया बराबर 5 लीटर माइनस 2 लीटर बराबर 3 लीटर। अब इसका मान हमने भिन्न में ज्ञात करना है, तो कुल पानी था 5 लीटर और प्रताप ने उपयोग किया 3 लीटर, तो 5 में से 3 लीटर उपयोग किया, तो भिन्न में हम इसे 3/5 लिखेंगे। फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप इज इक्वल टू 3/5 लीटर। तो प्रताप ने जो पानी पिया उसको हम भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे। दिस इज आंसर। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।